हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल खजूर की बर्फी। कितनी बढ़िया लग रही है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे खजूर से बर्फी। बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने ये जो गीले वाले खजूर होते हैं ये लिए हैं, और इसको मैंने काट कर लिया है, बीज इसके निकाल लिए हैं, और साथ ही ड्राई फ्रूट लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ काजू, किशमिश, बादाम और नारियल लिया है। अब सबसे पहले हम ये जो हमारे खजूर हैं इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, कोर्सली पीस लिया है, दरदरा ही है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी 2 चम्मच देसी घी, और घी मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर अपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं वो डाल देंगे। तो ये सारे ड्राई फ्रूट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि ये सुनहरे कलर के ना हो जाएं। इनका हल्का सा कलर चेंज करना है ताकि इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और खाने में भी अच्छे लगे, क्रिस्पीपन दे। तो ये देखिए, रोस्ट कर रहे हैं हम इसे, 1 से 2 मिनट इसको रोस्ट करेंगे। और साथ ही मैंने इसमें डाले हैं तेल सफ़ेद वाले। आप चाहें तो इसके अंदर पॉपी सीड्स और मेलन सीड्स, जो भी आप ड्राई फ्रूट या फिर सीड्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जितना हेल्दी आप इसे बनाना चाहें। तो 1 से 2 मिनट हो गया है मुझे रोस्ट करते हुए, और इसका अच्छा सुनहरा कलर भी हो गया है, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। तो जो हमने खजूर पीस के रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और खजूर में अपनी एक मिठास होती है, जिसके कारण ये थोड़ा सा मतलब लिक्विडी टाइप में हो जाएगा, और ये सारे ड्राई फ्रूट इसमें आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से तोड़ते हुए इसको हम लो फ्लेम पे ही ये सारा प्रोसेस करेंगे। ड्राई फ्रूट रोस्ट करते हुए आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं, बट जब आप खजूर डाल दें उसके बाद फ्लेम लो कर लीजिएगा, और उसके बाद इसको इस तरीके से तोड़ते हुए सारे ड्राई फ्रूट में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, और देखिए आप देख रहे होंगे कि ये एक डो की फॉर्म में आ गया है, सारे ड्राई फ्रूट इसमें एडजस्ट हो गए हैं। तो बस 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे, और ये रेडी है। देखिए, इसने डो का शेप ले लिया। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी बहुत गर्म है तो हम इसके रोल नहीं बना पाएंगे। ये सारा मैंने निकाल लिया है, और ये ठंडा हो गया है। अब इसको हम इकट्ठा करके एक रोल बना लेंगे। आप चाहें तो एक रोल भी बना सकते हैं, या छोटे छोटे 2-3, जितना भी आप बनाना चाहें। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको शेप भी दे सकते हैं। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं। मैं इसके गोल टाइप में इसको रोल करके बना रही हूँ, जैसे बार होता है। और इस तरीके से देखिए, रोल करते हुए हाथों की हेल्प से इसको हम बना लेंगे। ये देखिए, तो सारे मैंने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास तिल हैं, इसको मैंने प्लेट में फैला लिया, और इसको हल्के हाथों से हम इस पर रोल करेंगे, जिससे कि ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी साइड से हम इसको कवर कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से सारे हम रेडी कर लेते हैं। ये छोटे वाले भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से मैंने कोट कर दिए हैं, और रेडी हैं हमारे तीनों। और इसको अब हम सेट होने के लिए रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में, या आप या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अभी तो सर्दियों का टाइम है, जम जाएंगे। तो 1 से 1.5 घंटे बाद देखिए ये बनके सेट है। मैंने इस पे हल्के हल्के कट लगा दिए थे ताकि इक्वल साइज हम इसके निकाल सकें। तो ये देखिए, इस तरीके से कितना ईजीली ये देखिए कट रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं ये। तो ये देखिए, इस तरीके से
हमने इसे कट कर लिया है, कितना प्यारा लग रहा है देखिए, चारों तरफ से तिल से कोटेड किया हुआ। तो इसी तरीके से हम सारे अपने पीसेस कट कर लेंगे। एक बार आप निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको इक्वल साइज के पीसेस मिल जाएं। आप चाहें तो इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं या इसको लड्डू की शेप भी दे सकते हैं, पेड़े भी बना सकते हैं इसके। तो ये देखिए मैंने ये सारे कट कर लिए, कितने बढ़िया लग रहे हैं देखिए ये, और खाने में तो होते ही टेस्टी हैं। एक बार जरूर बना के देखिएगा इस सर्दी, और रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये, तो एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।